भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जिनका की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और जिनका 100वां जन्मदिन आप लोग अभी कुछ दिन पहले ग्वालपाड़ा में मनाए के आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालपाड़ा में गुरु महाराज जी का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया। जो जो इस महोत्सव में गए, मैं देखता हूँ उनका ये जो नशा है ना, खुशी का नशा, वो उतरा नहीं अभी तक। सबको इतनी खुशी है ग्वालपाड़ा, और ये एक ऐतिहासिक उत्सव हुआ हमारे गौड़ीय इतिहास में। सिर्फ हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ नहीं, हमारे पूरे गौड़ीय इतिहास में ये पहला उत्सव था जिसमें 12 अलग अलग संस्थाओं के आचार्य एक स्टेज पर बैठे हुए थे। हमारे गौड़ीय इतिहास में ये पहला उत्सव था जिसमें गौड़ीय मठ इस्कॉन के 152 सन्यासी त्रिदंड लेकर एक ही स्टेज पर बैठे हुए थे। तो जिनका आप लोगों ने जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया उनके जन्म स्थान ग्वालपाड़ा आसाम में, वो भगवत गीता में, भगवत गीता के माध्यम से एक श्लोक बोला करते थे, सर्व उपनिषदों गावो, अगर सारी उपनिषदों की तुलना गाय से की जाए तो ग्वाला भी होना चाहिए गाय के साथ, दुग्धा गोपाल नंदना। कहते सारी उपनिषदों को अगर गाय से तुलना की जाए, भगवत गीता को अगर गाय से तुलना की जाए, तो इसके ग्वाले हैं नंदनंदन श्री कृष्ण। गाय तब तक दूध नहीं देती जब तक बछड़ा ना, तो बछड़ा भी होना चाहिए, तो बछड़ा कौन है? पार्थ वत्स, अर्जुन बछड़े की तरह है, जिनके सामने पर भगवत गीता का सारा प्राकट्य हुआ। तो गाय से निकले दूध क्या है? बोले दुग्धम गीता अमृत महान, महान जो भगवत गीता रूपी अमृत निकला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।